हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन यूट्यूब चैंडी यादव। आज आपके सामने है डोमिनर 400। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा यहां पर डोमिनर लिखा हुआ है, और आप लोगों ने कहा था कि डोमिनर को लेके आइए, रिव्यू बनाइए, और इस वक्त इसका क्रेज़ भी चल रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना डोमिनर लेके आई जाए। तो देख सकते हैं कि इसमें डोमिनर का पूरा मॉन्स्टर लुक बना दिया गया है, एकदम एक तरफ से एकदम पाड़ू बाइक है ये। इसका हर एक चीज़ बहुत सॉफ्ट है, और ये 400 की सीसी की गाड़ी है, 35 BHP का इंजन है, और 13,000 RPM तक ये जाएगी, और इसको बताया जाता है कि 8,000 RPM है, और 13 लीटर की इसकी फ्यूल टैंक है, और फ्यूल टैंक में भी एकदम बेहतरीन। देखिए साइड स्टैंड बता रहा है, कूलेंट बता रहा है, बैटरी बताता है, और बजाज का सिग्नेचर बता रहा है, एकदम प्यारा। ये ऐसे खोलते हैं पूरा एकदम प्यारा सा, एकदम वाइट कलर की ये बाइक है। इससे कंपेयरिंग में अभी तक तो शायद हिमालयन भी मैं नहीं कह सकता कि वो भी हो, क्योंकि ये स्पोर्ट्स बाइक में और हिमालयन रॉयल एनफील्ड की है, ये बजाज की है। बजाज बहुत पहले से बना रही है स्पोर्ट्स बाइक, और रॉयल एनफील्ड तो अभी अपनी लॉन्च की है, तो मेरे हिसाब से मैं इसे अवार्ड दूंगा इस ईयर का सबसे बेस्ट बाइक अपने रेंज में, मतलब 2,15,000 रुपीज़ के अंदर में सबसे बेस्ट बाइक का इसको अवार्ड दूंगा मैं। और मैं आपको इसकी और ख़ासियत बताता हूँ, ये ABS है, एंटी क्लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ABS, डबल ABS सिस्टम, मतलब बहुत सी बाइकों में एक ही ABS होता है। बाइबर का इसमें वो लगा हुआ है डिस्क ब्रेक, ये देख सकते हैं एकदम बेहतरीन। ये इस तरीके का डिस्क आपने कभी देखा नहीं होगा आज तक की पल्सर की गाड़ी में। ये एक बड़ा डिस्क है, ये एक ABS, इसके अंदर बॉल लगी होती है छोटी छोटी, इसलिए इन्हें ABS कहा जाता है। और पीछे का तो ब्रेक के दर्शन करा दो यार ये छोटा सा, लेकिन ये बहुत पावरफुल। तो जैसा मैं आपको टायर के दर्शन कराता हूँ, ये देखिए इसके MRF के टायर हैं, एकदम मोटे टायर, एकदम परफेक्ट टायर हो तो ऐसे ही हो। और इस गाड़ी का सबसे अच्छी बात ये है कि ये देखिए आप, ये जो चीज़ है इस गाड़ी का कितनी बेहतरीन तरीके से बनाया गया, एकदम डिस्क ब्रेक के साथ जुड़ा हुआ है, और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की गई इस गाड़ी के साथ। मतलब बजाज वालों ने अब तक की सबसे बेस्ट बाइक इसको बनाई है, 400 डोमिनर, 400 CC की गाड़ी में अब तक की सबसे बेस्ट गाड़ी का अवार्ड मैं इसे देना चाहूँगा। अगर मैं अवार्ड देता तो मैं इसे ही देता। और ये इसका साइलेंसर है, ये साइलेंसर की आवाज़ धुड़ अभी मैं आपको थोड़ी देर में सुनाऊँगा, लेकिन मैं मुँह से सुना रहा हूँ, धुड़ बहुत अच्छी साइलेंसर की आवाज़ है इसकी। 4 इंडिकेटर हैं जो कि LED वाले हैं, पतले से एकदम प्यारे इंडिकेटर हैं, ये दिखा दीजिए कैमरामैन इंडिकेटर, अभी मैं आपको जला के दिखाता हूँ, एक सेकेंड, आपको दिख रहा होगा एकदम प्यारा इंडिकेटर है, देखिए एकदम प्यारा। तो मैं आपको लाइट के बारे में बताता हूँ, इसकी जो ये लाइट है अभी तक की किसी भी बजाज की गाड़ी में अब तक की इस तरह की लाइट नहीं है, ये सबसे बेस्ट लाइट है अब तक की। पीछे की देख सकते हैं 2 लाइट है, और बीच में एकदम खाली है, ना कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि यहाँ पे वाइट दे दें या भद्दा सा कर दें, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, बस ये देख के उन्होंने सबसे परफेक्ट पीछे की लाइट बना दी। और पीछे की सीट है, सीट के तो दर्शन करा दो, ये सीट वो वाली सीट नहीं है जो KTM की होती है या और पल्सर्स की बाइकों की होती है, ये सीट बहुत प्यारी सीट है, एकदम सॉफ्ट सीट है, इस पर आप बैठ के कभी भी कहीं भी जाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, देख सकते हैं। और ये आगे की सीट के तो दर्शन करा दो, जो आगे बैठता है उसको ऐसा लगता है कि वो घर पे कोई महंगे सोफे पे बैठा हुआ है, 1.5-2 लाख का सोफ़ा होगा उस पर बैठा, एकदम ये देखिए प्यारा। और मुझे तो सबसे प्यारा यही लग रहा है कि डोमिनर 400 देख सकते हैं, एकदम प्यारा, मैं तो उसको ज़िंदगी भर साफ करने के लिए तैयार हूँ, एकदम बेस्ट। और ये पैर रखने के लिए 2 ये साड़ी वाला फॉल कर ये होता है, कुछ लोग को पता नहीं होता है, बट ये केवल साड़ी के लिए ही होता है, जिसमें मम्मी या किसी की पति या पत्नियाँ और गर्लफ्रेंड जो साड़ी पहन के घूमती हैं वो वहाँ बैठे तो फंस ना जाए, ये इसलिए होता है। और इसका जो चैन है, चैन के दर्शन कराइए, इसका जो चैन है वो हर गाड़ी की तरह नहीं है, ये चैन हर गाड़ी की तरह नहीं है, ये चैन हमेशा टाइट ही रहेगा, ये चैन कभी लूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जो निप हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ना कि एकदम लल्लम लुल्लॉल, आप समझ रहे होंगे।
और इसका जो इंजन है वो पूरा तरीके से पैक कर दिया गया है, जैसे KTM का नहीं किया गया है, और पल्सर 150, 180, 200 NS और भी जितनी बाइकें इसकी बनी है उन्होंने भी इस तरह की नहीं बनाई। बट ये देखिए इसका पूरा इंजन पैक है, बस हल्का फुल्का आप आगे से देख सकते हैं कि DTHISI जो करके इसका एक इंजन है ये पूरा। और ये ऑयल कूलेंट सिस्टम है, ये ऑयल कूलेंट सिस्टम है, इसको आप चाहे नॉन स्टॉप चाहे जितना ले जाइए ये गाड़ी हॉट नहीं होगी, इसकी तो गारंटी मैं खुद लेता हूँ और डोमिनर 400 बजाज वाले तो खुद ही ले रहे हैं। और ये इसका एक हॉर्न है छोटा सा प्यारा सा, आपको दिख रहा होगा, और मैं इसका ऑयल दिखाता हूँ कि इसका ऑयल कहाँ पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है इसका ऑयल, ये देखिए इस जगह पे इसका ऑयल पड़ता है, इस जगह पे देख रहे होंगे मैक्स मिनी इस टाइप का लिखा हुआ है। और ये थोड़ा इसका इंजन पे फोकस कर दीजिए, ये ब्रेक, बस इतना सा ब्रेक बहुत है ABS के लिए, ज़्यादा नहीं मारिएगा, 150 के ऊपर है तो मार लीजिए, वरना मेरे हिसाब से तो ना मारिए। और एकदम बेहतरीन लुक, लुक वाइज इस बाइक को भी मैं 10 दूंगा, परफॉर्मेंस 9 दूंगा, और टॉप स्पीड इसकी 168 है, टॉप स्पीड 168 इसकी है अब तक की, जो कि हम लोग खुद ही यहाँ पे भगा चुके हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। और मैं इस गाड़ी के लिए अभी तक कोई भी डिसलाइक नहीं बोल सकता हूँ कि बहुत बेकार हो, मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं थोड़ा आपको आगे के टायर के दर्शन कराता हूँ, एक सेकेंड, ये देखिए आगे का टायर जो है थोड़ा मोटा है, हर गाड़ियों का पतला होता है बट इसका बहुत बहुत मोटा है, आप खुद देखिए कितना। और ये देखिए मेडगार्ड तो देख लीजिए एक बार। और इसका जो ये शॉकर होता है आप लोगों को पता होगा, ये एक शॉकर है जो कि नीचे ऊपर होता है, और बाकी जैसे KTM में तो उल्टा का शॉकर दे दिए हैं बट इसमें सीधा है हर गाड़ियों की तरफ। और इसमें सबसे बढ़िया, इसके लिए मैं इनको 10 में 10 दूंगा, क्योंकि इन्होंने ऐसा कर दिया कि थोड़ा जूम करके दिखाइए, यहाँ ये देखिए इन्होंने इसे लॉक कर दिया है ताकि इसमें कोई कचरा ना जा सके, जो कि कचरा जाके यहाँ फंस जाता था, फिर बाइक खोलनी पड़ती थी, फिर पूरा साफ़ होता 2 से 3 दिन लग जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस गाड़ी के, डोमिनर के इस गाड़ी में अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि ये पूरा लॉक कर दिया गया है दोनों ओर से, बस ये ऊपर नीचे तो जाएगा बट इसमें कुछ और लगा के नहीं जा सकता, बस क्योंकि वो साफ़ हो जाएगा, जैसे ऊपर देखिए थोड़े बहुत जो कचरे हैं वो अपने आप ही उड़ जाएंगे। इसलिए इस बाइक को मैं तो इसको इस बाइक को 10 में 10 दूंगा, और इसको तो 10 में 10 देना ही देना है मुझे, और इसलिए ये बाइक मुझे बहुत प्यारी लगती है। और ये इसकी आगे की लाइट है आप देख सकते हैं, ये रात में वाइट हो जाती है और दिन में अलग कलर की हो जाती है। और मैं आपको इसको जला के दिखाता हूँ, एक सेकेंड आप देखिएगा, आप देखें एकदम मॉन्स्टर लुक, आपको लग रहा होगा कि हाँ कुछ कोई ऐसी बाइक है जो एकदम मॉन्स्टर टाइप की है। देखिए किसी से भी पास मांग लीजिए, वाइट लाइट एकदम, और ऑडियो भी इसको आपको मना नहीं करेगी क्योंकि बजाज ने खुद सिग्नेचर करके दिया हुआ है इसकी वजह से, डोमिनर 400। और मैं आपको इसका डिजिटल दिखाता हूँ थोड़ा सा, देखिए इसको ऑफ कर देंगे कोई मतलब नहीं, फिर भी ये रहेगा जैसे हिमालयन में है सेम इसमें भी है। ये देखिए ऑन हुआ, आवाज़ आई आपको, ये देखिए ये आप देख रहे होंगे 13,000 RPM तक ये जाएगी, 0 से 188 की स्पीड है इसमें, 12:13 हो रहा है, फ्यूल टैंक दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है अभी तक इतनी चली है ये भाई। और ये देखिए एम और एस दबाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जैसा आपको मैं एम और एस के बारे में बता रहा था, एम दबाएंगे तो ट्रिप 1 ट्रिप 2 यही सब होगा, और इसका जो एस है ये केवल टाइम सेट करने के लिए है, और भी चीज़ों के लिए है बट आप इसको मत दबाइएगा, ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये देख सकते हैं आप, ये कितना कंफर्ट, ये जो इसका क्लच है एकदम प्यारा क्लच है, देख सकते हैं एक बार ऐसे दबाइए चला जाता है, एकदम प्यारा चला जाता है। और ये स्लीपर क्लच है, ये स्लीपर क्लच है, स्लीपर क्लच मतलब जादुई क्लच इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि डोमिनर वालों ने इस वक्त इसमें बहुत पैसे लगाए और बहुत कुछ लगाया, और
इसका जो बाइक है मतलब बहुत प्यारा बाइक, देख सकते हैं डोमिनर 400, टू मिरर्स दिए हुए हैं, और जैसे कि हिमालय का मिरर्स और भी बाइकों का मिरर हिलने लगता है, इसका मिरर ऐसा नहीं है। इसका मिरर आपको एकदम परफेक्ट साइज में पीछे देखने के लिए आरामदायक है अगर आप तेज चलते हो। देखिए मैं आपको बैक से दिखाता हूँ, ये देखिए एकदम पैर भी इंसान का जितने से, मैं मेरी हाइट ज़्यादा लंबी नहीं है, आप लोग जानते हैं। देखिए स्टैंड हटाया, यहाँ पे लिख के आ गया जी स्टैंड हट गया, ABS लिख के आ गया, एकदम परफेक्ट साइज की बाइक है ये देखिए, एकदम परफेक्ट। कहीं भी बैठ जाएंगे या कहीं भी चले जाएंगे तो लड़कियाँ तो आपसे फिदा होनी होनी है, वो तो आप लोग जानते हैं। और अब मैं आपको इस बाइक के ऑनर से मिलाता हूँ, तो अब मैं आपको इस बाइक के ऑनर से मिलाता हूँ, डोमिनर 400, प्लीज़ कम ऑनर। और ये हैं इस बाइक के ऑनर, अपना नाम तो बता दीजिए। मेरा नाम आश्रय जायसवाल है। इनका नाम आश्रय जायसवाल है, और ये भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं मगर कोशिश बहुत कम करते हैं, और ये बाइक इन्हीं की है। और यही आपको अब इस बाइक के प्राइस के बारे में बताएंगे, जैसा कि हर वीडियो में बताते हैं लोग। तो अगर मेरे को ये ऑन रोड 1.74 लाख की पड़ रही थी, बट इसका EMI बेसिस पे मैंने लिया है तो मेरे को ये लगभग 2 लाख की पड़ गई है। 2 लाख की इनकी बाइक पड़ी है क्योंकि इन्होंने EMI पे लिया हुआ है, इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी EMI पे ले लीजिए अगर मन है तो, वरना तो हॉट कैश ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितनी बताए थे? 1,74,000। 1,74,000 अगर ऐसे आप लेते हैं तो, वरना 2 लाख की तो ये पड़ी जाती है कोई भी बाइक को। देखिए दो लाख के अंदर ये बाइक है, क्या आप सोच सकते हैं? हमने तो कभी सोचा नहीं था। आप सोचे थे कभी? कभी नहीं, मैंने अपनी परफॉर्मेंस देखते हुए, अपना बजट देखते हुए इस बाइक को लिया है। और आप इस बाइक को 10 में कितने मार्क्स देंगे? ये चला चुके हैं इसलिए मैं आपको मैं तो 10 में 10 दूंगा, क्योंकि ये परफेक्ट बाइक है सिटीज़ के लिए भी, हाईवेज के लिए भी, प्लस रेसिंग के लिए भी। और इसका एवरेज ये खुद बताएंगे आपको, इसीलिए मैं आपको इस बार इसका एवरेज भी नहीं बताया और ना ही बाइक को स्टार्ट करके दिखाया। मैं चाहता था कि लोगों को लगता था कि ये तो खुद ही ऐसे करे दे रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी ये खुद ही बताएंगे, ये ऑनर है मतलब इस बाइक के मालिक हैं, ये खुद ही बताएंगे आपको इसका एवरेज। एक्चुअली जनरली देखा जाए जैसे KTM की RCs हैं या फिर 390s हैं, तो उसमें 390cc का या फिर 373.3cc में ज़्यादा माइलेज हम लोग नहीं मिल पाता है, वो तो उसमें प्रॉब्लम्स हैं। बट इस डोमिनर में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा है जिसकी वजह से इसका माइलेज हाईवेज पे बहुत आराम से 35 दे देता है। सुना आप लोगों ने, 35 का माइलेज, 400cc की गाड़ी है, 400, और KTM की 390 नहीं दे सकती कभी भी, और दे दे तो मेरे कमेंट मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे तो नहीं पता बट वो नहीं देगी कभी भी। और अब मैं अब इस बाइक का आपको आवाज़ सुनाता हूँ, तो आशु जी प्लीज स्टार्ट द बाइक एंड लेट्स गुड 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 गुड। और ये देख रहे हैं तो आप लोगों ने इस गाड़ी की आवाज़ सुनी कितनी फाड़ू, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप मतलब 2 लाख रुपए लगा के ऐसी बाइक पे बैठ रहे हैं, तो आपको लगेगा भी कि हाँ मैंने कुछ लगाया और किसी चीज़ पे बैठ रहा हूँ, राजगद्दी पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और जो भी मेरी इतनी सारी वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं प्लीज़ वो भी पसंद करें यार, इतनी मेहनत करता हूँ धूप में, डोमिनर ले आई मैंने आप लोगों के कहने पर, इतने कमेंट्स पर। और अब अलविदा कहते हैं हम दोनों लोग आपको, बाय फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा इसके चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, एंड थैंक यू।